कार्टून टीवी। इच्छाधारी नागिन। एक सपेरा जंगल में घूम रहा था। सुबह से घूमते हुए उसको बहुत देर हो गई थी। वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया था। घूमते घूमते वो बहुत थक भी चुका था, इसीलिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। हे भगवान, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अभी तो कोई भी सांप नहीं मिला। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। थका होने के कारण उसको नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। कुछ आवाजें सुनने के कारण उसकी आंख खुल जाती है और जब वो आवाज की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो इच्छाधारी नाग और नागिन है। अगर मैंने इनको अपने वश में कर लिया तो मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इन दोनों को सांप के रूप में आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस रूप में तो इनको काबू करना बहुत कठिन काम है। सपेरा उन दोनों के सांप रूप में आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो दोनों अपने सांप के रूप में आए, तभी वो सपेरा अपनी बीन बजाने लगा और इन दोनों को काबू करने की कोशिश करने लगा। नागिन तो वहां से भाग गई, लेकिन वो सपेरा नाग को पकड़कर अपनी कैद में कर लेता है। ये तो कमाल हो गया, मैंने एक इच्छाधारी को तो अपनी कैद में ले लिया। सपेरा खुश होता हुआ उस जंगल से जाने लगता है। तभी उसके सामने वही इच्छाधारी नागिन आ जाती है और वो उस सपेरे से नाग को छोड़ने का अनुरोध करती है। सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से इसको पकड़ा है, मैं नहीं छोड़ सकता। इसको बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। हे सपेरे, तुम मेरे नाग को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें जितना धन चाहो देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर के लिए सपेरा सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। क्या उसको इस नागिन की बात पर भरोसा करना चाहिए? सपेरे, मैं तुम्हें वो खुशी भी दे सकती हूँ जो तुम दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकते। ऐसी कौन सी खुशी तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हारी शादी को सालों हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी माँ बन सकती है। नागिन के इतना बोलने पर सपेरे की आंखों में अपनी उदास पत्नी का चेहरा घूमने लगता है और उसकी खुशी के बारे में सोचकर वो इच्छाधारी नाग को अपनी कैद से आजाद कर देता है। कैद से आजाद होते ही वो नाग अपने मानव रूप में आता है और दोनों नाग नागिन उस सपेरे का धन्यवाद करते हैं। बोलो सपेरे, तुमको कितना धन चाहिए? मुझे आपसे अब धन की प्राप्ति की कोई भी इच्छा नहीं है, बस आप मुझे संतान प्राप्ति का ही आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है सपेरे, तुम प्रतिदिन एक बर्तन में सांप के लिए दूध डालकर जंगल में रखाना। ऐसा करने से तुमको जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। सपेरा वही जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल देता है। अपने घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सब जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अब रात हो गई थी, दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर सपेरा सबसे पहले जंगल के पास एक बर्तन में दूध रखकर आ जाता है। और दिन में वो गांव-गांव जाकर सांप का खेल दिखाता है। सपेरे ने देखा कि सांप का खेल तो सपेरा पहले भी दिखाता था। पहले तो उसका खेल देखने कुछ इक्का दुक्का ही लोग आते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग आए हैं और उसको बहुत पैसे और सामान भी मिला है। सपेरा हाथ जोड़ता है और सब समझ जाता है कि ये सब
इच्छाधारी नागिन का आशीर्वाद है। अब सपेरा रोज ही सुबह पहले सांप के लिए दूध रख कर आता था और फिर गांव में अपना खेल दिखाने जाता था। और एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होता है और इच्छाधारी नाग नागिन को धन्यवाद देने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में उस स्थान पर पहुंचने पर वो देखता है कि कुछ लोग वहां से जा रहे थे। वो सपेरा उस सब का पीछा करता है तो उसको उन सब लोगों की बातें सुनकर ये पता चलता है कि ये सब जंगल में सांपों को पकड़कर उनको दूसरे देशों में ले जाकर महंगे दामों में बेचते हैं। और आज जो दो सांप पकड़े गए हैं वो दोनों तो बड़े ही दुर्लभ हैं और उनका बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। आज जो सांप पकड़े गए हैं ऐसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। तुम ठीक कहते हो लेकिन इनको पकड़ने में बहुत ही परेशानी हुई, इतनी आसानी से काबू में नहीं आए। हाँ लेकिन एक बात से आश्चर्य में हूँ, इन दोनों में से किसी ने भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला नहीं किया जबकि देखने में तो बहुत जहरीले लगते हैं। हाँ मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। सपेरा उनकी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ गया कि मैंने तो अपनी बीन की धुन से इच्छाधारी नाग को काबू में करने की कोशिश की थी लेकिन इन लोगों ने कैसे पकड़ लिया और नाग नागिन ने इन पर हमला क्यों नहीं किया। सपेरा उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बाहर आकर वो दोनों लोग एक बैलगाड़ी में सांपों का थैला रख देते हैं और अपनी बैलगाड़ी को वहां से लेकर चल देते हैं। सपेरा भी बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल देता है। बैलगाड़ी को वो एक नदी के किनारे रोकते हैं और नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए एक नाव पर बैठने के लिए चलते हैं। तभी पीछे से वो सपेरा वहां पर आ जाता है और उनसे उन सांपों को छोड़ने के लिए बोलता है। भला हम इन सांपों को छोड़ेंगे मूर्ख, ये दुर्लभ जाति का है और इसके बहुत पैसे मिलेंगे। देखो भाइयों, मैं जग्गू सपेरा हूँ और ये दोनों मेरे सांप हैं। वो जंगल में भाग कर आ गए थे, जैसे ही मैं इन्हें पकड़ने पहुंचा आपने इन दोनों को पकड़ लिया। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे सांप वापस दे दो। तभी दूसरा आदमी उस सपेरे को मार कर नीचे गिरा देता है और उसको वहां से भाग जाने को बोलता है। उसके वहां से नहीं जाने पर वो दोनों मिलकर उस सपेरे को बहुत मारते हैं और नाव में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उनको दूर नदी में जाता देखकर सपेरा भी एक नाव पर बैठकर उन दोनों का पीछा करता है। उनकी नाव के पास पहुंचकर सपेरा अपने थैले में से अपना सांप निकालता है। हे नागराज, जाओ और उन दोनों दुष्टों को मजा चखा कराओ। सपेरा अपने नाग को उन दोनों की नाव में छोड़ देता है। वो नाग तेजी से जाता है और एक बदमाश के ऊपर चढ़ जाता है और उसको डस लेता है। वो बदमाश वहीं उस नदी में गिर जाता है और दूसरा बदमाश डर के मारे नदी में कूद जाता है। उसको तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी नदी में डूब जाता है। सपेरा दूसरी नाव में जाता है, अपने नाग को थैले में डालता है और दूसरे थैलों में से इच्छाधारी नाग नागिन को निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सपेरे, आज तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारी जान बचाई है। आज से तुम जब कभी मुसीबत में हमें बुलाओगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी होने वाली संतान पर भी हमारी विशेष कृपा रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई,
मैं उन दोनों बदमाशों की बातें सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि आपने उन पर हमला नहीं किया, ऐसा क्यों? आप तो अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें मार सकते थे। आज एक खास दिन है और हम इसी रूप में रहते हैं। आज के दिन हम अपना रूप नहीं बदलते और ना ही किसी की जान लेते हैं, इसलिए हमने उन पर जानलेवा हमला नहीं किया। सपेरा अब उनके साथ नदी के किनारे की तरफ वापस चल देता है। और फिर वो उसी बैलगाड़ी में वापस जंगल जाकर दोनों इच्छाधारी नाग नागिन को छोड़ देता है और अपने घर की तरफ वापस चल देता है। घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। स्पेरा रोज सुबह सच्चे हृदय और सेवा भाव से दूध का बर्तन जंगल में रखकर आता था और कुछ ही महीनों बाद सपेरे की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जंगल में कुछ शिकारी घूम रहे थे और हिरणों का शिकार कर रहे थे। तभी वहां पर एक शेर दहाड़ता है और उन शिकारियों के पीछे भागने लगता है। तभी शेर के सामने इच्छाधारी नागिन आती है। नागराज, वो शिकारी भाग गए हैं, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तभी शेर अपने इच्छाधारी नाग के रूप में आ जाता है। फिर दोनों जंगल में बैठकर बातें करने लगते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज की कहानी का सवाल है, सपेरे का क्या नाम था?